हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं मंग भाटिया। सो जैसे कि आप मेरा बैकग्राउंड देख सकते हैं, मैं आई हूं जू, मैं आई हूं चिड़ियाघर, दिल्ली के इकलौते चिड़ियाघर में आई हुई हूं मैं। और यहां पर मैं आई थी लास्ट स्कूल वाले बच्चों के साथ आई थी पिकनिक पे, एंड उसके बाद मैं यहां पर नहीं आई। एंड आई एम वेरी यू नो एक्साइटेड देखने के लिए कि चिड़ियाघर कितना ज़्यादा चेंज हुआ है। एंड सो अब मैं लाइन में लगने वाली हूँ। तो बेसिकली मैं आपको बताती हूँ, मैं यहाँ आई हूँ मेट्रो से। तो आप किसी भी मेट्रो स्टेशन पे हो तो उसे बोलना कि भैया प्रगति मेट्रो स्टेशन वाली एक टिकट दे दो, एंड आपके पास अगर मेट्रो कार्ड है तो वेल एंड गुड, ठीक है। एंड उसके बाद वहाँ से आपको क्या करना है, वहाँ से आपको ऑटो लेना है। ऑटो वाले भैया लेंगे 50 रुपये, एंड 50 रुपये से ज़्यादा अगर ऑटो वाले भैया लें तो उनको झाड़ देना। कैसा है ना, हम ब्लॉग देख कर आए हैं, पगलैट नहीं बना हुआ मैं, समझे। सो मैं आपको दिखाती हूँ टिकट की लाइन। आई होप छोटी हो, वैसे मुझे दूर से छोटी दिख रही है, बाकी मैं प्लीज़ प्लीज़ करके आगे आ जाऊँगी, आई एम क्लेवर। अबे यार यहाँ तो भीड़ है, चलो कोई बात नहीं, देख लेते हैं। अब आए हैं तो अब देख लेते हैं। ओके, तो हम आ चुके हैं जू के बिल्कुल ही अंदर। यहाँ पर कुछ फ़ोटोज़ लगी हुई हैं जानवरों की, एंड यू कैन सी कि ये काफ़ी पहले से मतलब अगर आप बहुत टाइम पहले आए होगे तो आप नोटिस करोगे काफ़ी साफ़ सुथरा हो गया है, काफ़ी ग्रीन हो गया है। क्योंकि जब मैं आई थी स्कूल वाले बच्चों के साथ पिकनिक पे, तो ये जो झरना है ये बिल्कुल ही बैंड बजी हुई थी झरने की, तो झरना बिल्कुल भी नहीं चल रहा था। एटलीस्ट झरना इज़ वर्किंग, हैप्पी स्टार्ट है। चलो ओके, सो सबसे पहले हम रुके हैं यहाँ पर, जहाँ पे ये थोड़ी सी स्वैंस वगैरह होती हैं, पर स्वैंस मुझे दिख नहीं रही है। एंड मुझे दिख रहा है वो काई वाला पानी होता है ना, वो ग्रीन हो जाता है, जिसको पी लो तो बंदे को जहर वाला टेस्ट आता है। वैसे मैंने पिया नहीं, मैं बकवास कर रही हूँ, यू कैन सी। थोड़ी सी आगे चलने के बाद आपको दिखेंगे कि यहाँ पर ये जो है ये फैसिलिटी दी गई है, तो जिस बंदे को चलने में प्रॉब्लम है या जो मेरी तरह आलसी है तो वो भी ये ले सकता है। इसका जो टिकट काउंटर है वो है ये इसकी जो टिकट, दैट इज़ फॉर 70 रुपीज़, एंड ये आई थिंक 1 घंटे का टाइमिंग होता है। तो इसमें क्या होता है बेसिकली, तो ये क्या करते हैं, ये आपको पूरी की पूरी जू की सैर करा के लाते हैं। तो मतलब वो जितने भी स्टॉप्स आते जाते हैं कि इस तरफ भेड़िया है, इस तरफ ये है, इस तरफ मैं बैठी हूँ मैं नहीं बैठी मतलब, ठीक है। तो जैसे ये है क्या लिखा हुआ, सिक्का, डियर वगैरह, तो ये सब बताते रहते हैं। तो जिसको जो देखना होता है वहाँ पर उतर जाता है, एंड उसके बाद ये ना चलती रहती हैं, तो आप इसको कहीं से भी कैच कर सकते हो, सो नो प्रॉब्लम। इसके लिए आपको हाथ में एक बैंड बांध दिया जाता है। तो ये मेरा बैक साइड है, ये भी है इधर की साइड पे, राइट हैंड साइड पे है। जब आप आगे आओगे, ये जो व्हीकल वगैरह जहाँ से मिल रहे हैं वहाँ से थोड़ा सा आगे आओगे तो आप ये देखोगे, ये एरिया सीरियसली बहुत अच्छा है, काफ़ी ग्रीनरी है। जिस बंदे को फोटोग्राफी का, व्लॉग्स बनाने का, जैसा कि मैं बना रही हूँ, ऐसा शौक है वीडियो से रिलेटेड, किससे रिलेटेड, तो यहाँ पर आके फोटोशूट वगैरह कर सकते हैं। एंड यहाँ पर अगर आप कैमरा लेकर आओगे, वीडियो वाला कैमरा लेकर आओगे, तो यहाँ पर आई थिंक 100 या 200 रुपये ले रहे हैं। एंड अगर आप स्टिल कैमरा लेकर आओगे तो उसका ले रहे हैं 50 रुपये ले रहे हैं, आई गेस। हाँ, यहाँ पर है बार्किंग डियर, तो ये है भौंकने वाला डियर यहाँ पर है। और क्या है यहाँ पर, स्पॉटेड डियर है, एंड सांबर है, एंड नील गाय है, एंड ब्लैक बक है। ओके, सो जो हमने अभी पहले वाले में देखा यहाँ पर था बार्किंग डियर भी था यहाँ पर। सो इनके साथ आपको यहाँ पर आके डॉगी वॉगी की याद आए तो आप बार्किंग डियर से गुफ्तगू कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ का एक और सीन मैंने अभी नोटिस किया, यहाँ पर कपल्स आए हुए हैं। अच्छा, कपल होना कोई गलत बात नहीं है यार, कपल होना क्या गलत बात है, लेकिन यार ये लोग इतना हाथ पकड़ के चलते हैं, इतना टाइट बंदी का हाथ पकड़ के चलेंगे कुछ लड़के तो, कि भाई सामने वाले के हाथों की नस दब जाए, हैं मतलब उसके हाथों में पसीना आ जाए, पर हाथ नहीं छोड़ेंगे। ये कॉन्सेप्ट मुझे समझ नहीं आता, अगर आप लोगों ने भी ये कहीं नोटिस किया ना ये मुझे ज़रूर बताना। तो मतलब मुझे हंसी सी आ रही है सब देख के, मतलब चिड़ियाघर में नहीं छोड़ते, हद हो गई। तो अभी मैं एक जगह पे रुकी, ठीक है, तो वहाँ पर एक कव्वल बैठा हुआ था। भाई इतने सारे यहाँ जानवर है, इतना कुछ है यहाँ पर करने को, और एक बंदा अगर एक बार आ रहा है, 2-3 बार भी आ रहा है, मतलब ये जगह नहीं है क्या, बोर हो सकते हो। भाई वो कपल बैठा हुआ है, सट्ट के बैठे हुए हैं, और बताओ चल रहा है, ज़िंदगी की तमाम डिस्कशन यहीं चल रही है, हाय राम। मैंने कहा बतिया लो भैया। सो ये जगह है चीलों की, यू कैन सी यहाँ पर चील बैठी है। किसी को अपनी आंखें नुचवानी है तो यहाँ आ जाइए, चील विल से गुफ्तगू कर लीजिए। तो
ये देखो यहाँ पे लंगूर वगैरह की लड़ाई हो रही है, मुझे लग रहा है वो जो आगे जा रही है वो उसकी बंदी है एंड उसे मना रहा है। तो लंगूरों का भी यही सीन है यार, लंगूर भी सेम है। वो देखो वो पीछे छोटा वाला लंगूर है उसको मनाने के लिए जा रहा है एंड बंदी डजंट गिव अ शिट, यू कैन सी। ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो वो देखो वो वाला लंगूर है और वो उसकी पीछे वाली उसकी बंदी है एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सारे जो है ना आसपास घूम रहे हैं ये उनके मोहल्ले की आंटियां हैं जो कि गॉसिप करने के चक्कर में उनका सीन देखने जा रही हैं। धीरे धीरे देखो तो कितने आराम से जा रही हैं। अब बताइए ज़रा यहाँ पर इन लोगों ने जहाँ पे इनके पानी की व्यवस्था होनी चाहिए वहाँ पर इन लोगों ने क्या कर रखा है, खाली कर रखा है। अब जानवर पिएगा क्या यार, इनका खून पिएंगे क्या, इनसेंसिटिव। सो हमारे पीछे है सुलभ शौचालय, सो जिसको लगी हो वो जाए अंदर करके आए पर हाथ जरूर धो के आए, हाइजीन। Guess the animal. This is Sambar. ओके सो नेक्स्ट है मेरे पास मेरे पीछे जो है ये है बर्ड्स का सेक्शन जिसके अंदर बहुत सारी बर्ड्स इन लोगों ने रखी हुई हैं। सो मुझे मतलब क्योंकि मैं ब्लॉग कर रही हूँ एंड मैं बहुत जेन्युइन बात करने वाली हूँ कि जब मैं छोटी थी एंड मुझे जब लेकर आते थे यहाँ पर पिकनिक वगैरह के लिए तो इतना दिमाग नहीं होता, इतना ऑब्जर्विंग पावर नहीं होती, तो हम लोग क्या करते थे देखते शोर हल्ला वगैरह करके हम चल जाते थे। पर मैं लिटरली सोचती हूँ कि एनिमल्स का तो एनिमल्स क्या बर्ड्स भी इतने छोटे स्पेस में इन लोगों ने रख रखा है, हालांकि मैं कोई नहीं होती, मैं तो जो ऑब्जर्व करी मैं तो वही बता रही हूँ, छोटे स्पेस में रख रखा है तो उनको कैसा फील होता होगा। अब यहाँ पर इकलौता इतने बड़े पिंजरे में एक उसको रख रखा है, क्या बोलते हैं तोते को, कलरफुल जो होता है कलरफुल पैरट, तो मैं कभी कभी सोचती हूँ इसका मन करता होगा उड़ने का, झंड कर रखी इन लोगों ने इनकी ज़िंदगी। वो जो कॉर्बेट नेशनल पार्क वाला कॉन्सेप्ट होता है ना वो बहुत बढ़िया है कि भाई हम कुछ देर के लिए अंदर होते हैं जीप में एंड जो एनिमल्स होते हैं वो बाहर होते हैं, यही होना चाहिए यार। ये जू वाला कॉन्सेप्ट मुझे ना सीरियसली अजीब लगता है। ऊपर से अभी ना हम वो देख रहे थे बंदर वगैरह देख रहे थे, अरे भाई बच्चे इतने चिरांत हैं, इतने यहाँ पे जो आए हैं इतने चिरांत बच्चे हैं भैया, उन लोगों को पता नहीं कहाँ से पिंजरों के साइड में डंडी मिल जाती है और डंडी के बाद वो लोग क्या करते हैं वो डंडी लेकर पिंजरे के अंदर ऐसे ऐसे करते रहते हैं। अब सोचो तुम लोगों को कोई डाल दे और उसके अंदर मैं डंडी डाल के टैंटा टैंटा करूँ अच्छा रहेगा। और अभी अभी एक और चीज़ जो मैंने ऑब्जर्व करी मैं आपको दिखा के वो बताऊँगी। तो अभी मैंने गोल्डन जैकल देखा जो सबसे पहले वाला था, तो उसका क्या था उसका भी सेम सीन था, उसको पिंजरे में कर रखा था एंड वो अकेला था, उसके आगे खाना रखा हुआ था। और अभी ना एक साइड में एक खड़े होंगे कुछ लोग, वो कहते कि एक छोटी सी चीज़ के लिए इतना बड़ा पिंजरा, एंड आई वॉज लाइक तुझे ना बांध दे इसके अंदर यार, पता मुझे तो ना यहाँ पर आके थोड़ा थोड़ा बुरा भी लग रहा है, मतलब इन्जॉय तो मैं कर रही हूँ पर थोड़ा थोड़ा बुरा भी लग रहा है। वो भी अकेला यार, लोनलीनेस ऐसे ऐसे मार रखी है यार, आई डोंट लाइक जू कॉन्सेप्ट यार, अच्छा नहीं फिला रही मनुष्यत। ओके सो हम भालू देखने के लिए आए हुए थे एंड भालू अभी दिख नहीं रहा, आई थिंक दिख जाएगा ये रहे 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 दिख गया। क्लियरली नहीं दिख रहा लेकिन भालू को प्यास लग रही है देख। तो ये हमारे भालू भाई साहब, भालू डजंट गिव अ शिट, वही तो ऐसे बुलाते हैं लोग जैसे कुत्ते को बुला रहे हैं। हम लेपर्ड तो अभी हम देखने जा ही रहे हैं लेकिन अगर हम हिप्पोपोटामस देखेंगे ना, अगर मेरी मम्मी यहाँ आई होती ना, मेरी मम्मी पता है क्या बोलती कि देख
ये है तेरा फ्यूचर, इतनी मोटी हो जाए कि जिस हिसाब से तू खा रही है, एंड हम तेरे लिए ये हिप्पोपोटामस की तरह कोई पॉन्ड वॉन्ड नहीं बनाएंगे जिसमें तू अपना मोटापा छुपा सके। सो मिसिंग मदर, आ जाते यार मेरे साथ चिड़ियाघर, क्या जा रहा था भाई। गॉड, मैं चलते चलते परेशान हो गई, लिटरली मुझे ले लेना चाहिए था वो कन्वेंस। और जहाँ जाओ यार, हिरन हिरन और वो पता नहीं कौन से एक दो चीज़ था, हिरन और बंदर, मोहल्ले में जाओ कुत्ते। अरे यार हम शेर देखने आए, आई वॉन्ट टू सी शेर, एक्सक्यूज मी। हाउ स्वीट, हिप्पोपोटामस और बंदर साथ में चिल कर रहे हैं, फ्रेंड जोन फॉर लाइफ। ये हिप्पोपोटामस वगैरह को देख के इतना प्यारा टाइम पास हुआ ना, मतलब वो बंदों को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, बंदे आ रहे हैं जा रहे हैं, अपना पानी में लोट रहे हैं, नाच रहे हैं, चिल आउट कर रहे हैं। एंड एक और चीज़ दिखाती हूँ, भाई सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त मुझे लगे ये, क्या बोलते हैं, हवा चल ले, पहले हवा चल ले, अरे यार क्या बोलते हैं, क्या नाम है इनका, क्रोकोडाइल, ये सबसे ज़बरदस्त लगे। अरे यार यहाँ पर भी चिरांत बच्चे फिर आ गए। अब चिरांत बच्चों का ये है कि उनको लग रहा है कि ये हिल क्यों नहीं रहे, अरे नहीं हिल रहे तो नहीं हिल रहे ना, इतने भाई इनको इतनी दिक्कत है कि हिल नहीं रहे हैं, ये पत्थर मार के चेक कर रहे हैं कि भाई कहीं इन लोगों ने वो तो नहीं बिठा रखे, क्या बोलते हैं वो स्टैचू नहीं बिठा रहे, क्या स्टैचू बिठाने के लिए यही वाली जगह मिली है क्या। सो गाइज, मैं थक गई हूँ एंड सारे हमने एनिमल्स देख लिए, हमारी ये जो ज़ू की जर्नी थी ये कंप्लीट प्रॉपर हो चुकी है एंड मैंने बहुत इन्जॉय किया। अच्छा अब एक और चीज़, ओके सो मैंने ये चेंज नोटिस किया, जब मैंने पहले आई थी तो ये इतना नीट नहीं था, अब ये सुपर नीट, सुपर ग्रीन एंड बहुत पॉजिटिव वाइब है यहाँ की, और यहाँ पर खाने पीने के लिए भी अच्छा है, बाहर की साइड अच्छा इन द सेंस, मतलब काम चला हुआ है, रीजनेबल है। अभी मैंने वहाँ से खाया नहीं है पर बहुत सारे लोग थे तो ऑब्वियसली मुझे देखने में सही लगा, एंड अंदर भी खाने पीने को बहुत कुछ है एंड प्रॉपर वॉशरूम फैसिलिटीज़ भी हैं, तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी। एंड मुझे बुरा ये लगा कि कुछ कुछ एनिमल्स के लिए मुझे यहाँ पे स्पेस जो उनको रिक्वायर्ड होता है वो कम है एंड उन लोगों ने उन्हें अकेला रख रखा है, एंड मुझे एनिमल्स की जो मेंटल कंडीशन है वो मुझे अच्छी नहीं लगी, क्योंकि अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो बताएंगे मुझे आके कि भाई सब हम परेशान हैं, उनके जेस्चर से पता लग जाता है। अब जैसे मैंने भालू देखा, मैंने देखा भालू जो था वो हाँफ रहा था, उसको प्यास लग रही थी, और मैं देखा जो उसके आगे वाले पार्ट था जो नीचे गड्ढा सा बना हुआ था उसके अंदर पानी ही नहीं था, तो वो चीज़ है। और एक जो मैंने वो गोल्डन जैकल की बात करी थी, उसको खाना डाल रखा था, वो इतना परेशान था, उसकी आंखों से लग रहा था, उसकी आंखें बिल्कुल रेड हो रखी थी एंड वो कुछ खा नहीं रहा था, तो साफ पता लग रहा था कि यार तुम एक पिंजरे में फॉर लाइफ टाइम किसी जानवर को रखोगे। जब किसी इंसान को भी लगता है ना कि आज के डे में कुछ कुछ करने को नहीं, कुछ नहीं होता, तो सामने वाले इंसान को भी मूड स्विंग्स हो जाता है, इंक्लूडिंग मी, तो यार उस जानवर को कैसा लग रहा होगा, ठीक है। एंड बाकी सब बहुत बढ़िया था और ट्रिप अमेजिंग थी। सो नेक्स्ट व्लॉग में हम मिलते हैं, या नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट रिव्यू में मिलते हैं, मतलब हम मिलेंगे ज़रूर। ओके बाय।